हार्मनी टीवी देखने वाले सभी दर्शकों को वसुधा तिवारी का नमस्कार। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित हैं रूपम शर्मा जी। रूपम शर्मा जी जो कि अपने आप में एक बहुआयामी व्यक्तित्व रखती हैं। रूपम शर्मा जी चाइल्ड केयर सुपरवाइज़र भी हैं, उसके साथ साथ वो कम्युनिटी सर्विसेज से भी जुड़ी हुई हैं। रूपम शर्मा जी और क्या क्या करती हैं, आइए हम जानते हैं उन्हीं की ज़बानी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू वसुधा जी, शुक्रिया हार्मनी टीवी का जिन्होंने मुझे दर्शकों के साथ जुड़ने का मौका दिया। मैं चाइल्ड केयर सुपरवाइज़र हूँ, इसके अलावा मैं कमिश्नर ऑफ ओथ हूँ, और इसके अलावा मैं कम्युनिटी सर्विस भी करती हूँ। हमारी एक कंपनी है ए टू जेड स्क्रीनिंग, जिसमें कि हम क्रिमिनल चेक करते हैं। कम्युनिटी सर्विस में मैं मल्टीकल्चरल कोलिशन है एक ऑर्गेनाइजेशन जिसके साथ मैंने अभी रिसेंटली एक प्रोजेक्ट किया है सीनियर्स की सोशल आइसोलेशन पे। तो इसके अलावा और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके साथ मैं काम कर रही हूँ। कम्युनिटी सर्विस करना मुझे अच्छा लगता है बिकॉज मैं सोचती हूँ कि ये मेरा एक तो पैशन है और दूसरा हम वी वॉन्ट टू गिव बैक, वी शुड गिव बैक टू द कम्युनिटी। कम्युनिटी ने हमें इतना कुछ दिया है कि हमें अगर उसका कुछ हिस्सा, कुछ समय अगर हम वापस अपनी कम्युनिटी को दे सकते हैं और कम्युनिटीज़ को किसी तरह हेल्प कर सकते हैं तो वो एक अलग तरह की सेटिस्फैक्शन देता है मुझे। जी बिल्कुल। रूपम जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप यहाँ पे कम्युनिटी सर्विसेज भी कर रही हैं और आप एक विमेन हैं, तो आप क्या सोचती हैं विमेन, What is the scope here for the women's? कि ladies यहाँ पे क्या क्या कर सकती हैं? Ladies का तो Canada में मैं सोचती हूँ कि जो चाहें वो कर सकती हैं। Reason being, जब हम Canada में immigrate करते हैं, हमें अपने आप को ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि हम क्या थे या क्या लेके आए हैं। हम इतना एक्सपीरियंस लेकर आते हैं अपने कंट्री से, हमें वो हमारी जो है वो एसेट है हमारा। उस एक्सपीरियंस के साथ हमें नए सिरे से सोचना चाहिए कि हम ज़िंदगी शुरू कर रहे हैं जस्ट लाइक अ बेबी, या कहें जस्ट लाइक अ क्लीन स्लेट, कि हमारी जो है ये किताब बिल्कुल क्लीन है, हम इसके ऊपर जो चाहे लिखना लिख सकते हैं। हम ABC से शुरू करें और जहाँ तक उसको ले जाना चाहें हम लिटरेचर तक हम पूरा लिख सकते हैं उस किताब में। तो ये ओपन माइंडेडनेस होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ओपन माइंडेड होके इस कॉन्सेप्ट के साथ, इस सोच के साथ आएंगे तो लेडीज़ जहाँ तक चाहें पहुँच सकती हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है। जी बिल्कुल। लेकिन यहाँ मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगी कि यहाँ पे हर व्यक्ति अलग अलग एज ग्रुप में आता है। कुछ एज अ स्टूडेंट आते हैं, कुछ अपनी ज़िंदगी की शुरुआत में आते हैं, और यदि हम आपकी बात करें तो आपको अभी आए यहाँ पे 1.5 साल हुआ है, आप जून में यहाँ मूव हुए हैं, तो आप क्या सोचती हैं कि यदि व्यक्ति वहाँ पे एक पोजीशन होल्ड करता है अपनी कंट्री में बैक होम, और वो यहाँ आता है उस एज में, मिडिल एज जिसको हम कह सकते हैं, तो उस एज में कितना आसान है या कितना डिफ़िकल्ट है यहाँ सेटल डाउन होना? जी, मेरे विचार में तो जिस मर्जी एज में यहाँ पे आएँ, चाहे एज अ स्टूडेंट आएँ, चाहे मिडिल एज आएँ, चाहे एज सीनियर आएँ, सभी का जो है सोच है वो मेरे को लगता है कि एक ही होनी चाहिए, यही कि वी आर स्टूडेंट। जैसे आपने बड़ी अच्छी बात कही कि चाहे कोई स्टूडेंट आता है, चाहे कोई मिडिल एज में भी आए, उसको भी यही सोच के आना चाहिए कि आई एम अ स्टूडेंट। स्टूडेंट ये नहीं कि पढ़ाई से स्टूडेंट, स्टूडेंट हर तरीके से, ओपन माइंडेड होके टू लर्न, टू अडेप्ट, टू ग्रास्प। वो चीज़ जो है वो अगर किसी में भी आती है, चाहे वो 60-year-old आते हैं यहाँ पे, चाहे वो मिडिल एज में आएँ, चाहे एज स्टूडेंट आएँ, जितनी फास्ट, क्योंकि हम देखते हैं जो स्टूडेंट्स हैं उनमें अडेप्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो अगर हम वही सोच रख के यहाँ आते हैं कि ठीक है, मैं तो वहाँ पे 12th किया इंडिया में और मैं यहाँ पे मैंने अपना करियर बनाना है या मैंने दोबारा से लाइफ शुरू करनी है, आई थिंक वो उतनी जल्दी सेटल होगा, उतनी जल्दी ग्रो करेगा, उतनी जल्दी डेवलपमेंट होगी। जी बिल्कुल। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम चाहते हैं बहुत कुछ करना, जैसे आपने एक बात बहुत अच्छी बोली, मुझे बहुत अच्छी लगी कि अडॉप्टेबिलिटी होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ कुछ लिमिटेशंस होती हैं एज अ लेडी, क्योंकि हम इंडिया से आए हैं, हमारे फैमिली का सेटअप वहाँ अलग है और हमारे यहाँ फैमिली प्रायोरिटी पर रहती है इंडिया में,
हम अपने कुछ सोशल स्टिग्मास भी साथ में लेके आए हैं, और दूसरी बात ये कि यदि जैसे आपके दो बच्चे हैं तो उनके साथ साथ आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करेंगी, क्योंकि ये प्रॉब्लम यहाँ लेडीज़ के साथ आती हैं कि वो करना चाहती हैं मगर कहीं ना कहीं वो स्टक हैं अपने बच्चों के साथ, किसी के बच्चे छोटे हैं। सो उस चैलेंज को यहाँ किस तरीके से लेडीज़ एक्सेप्ट करें, इस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगी? बिल्कुल जी, सबसे पहले मैं अपने बारे में लेके चलती हूँ। तो मेरे बच्चे बड़े हैं तो मैं सोचती हूँ बहुत बड़ा मैं लकी हूँ कि वो बहुत हेल्प करते हैं मेरी। तो मेरी डॉटर 16 इयर्स ओल्ड है, सन 13 ईयर ओल्ड है, तो वो घर में भी मेरी पूरी मदद करते हैं और बाहर के कामों में भी मेरी पूरी हेल्प करते हैं। तो और फैमिली सपोर्ट बहुत मेजर रोल प्ले करती है एक लेडी के करियर में भी और फैमिली लाइफ में भी। तो इस मामले में मैं अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ कि मेरे जो इन लॉज हैं बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं और मेरी सारी फैमिली बहुत सपोर्टिव है। तो इस मामले में मैं बहुत लकी समझती हूँ अपने आप को। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, मैंने यहाँ पर देखा है कि सिस्टम इतना अच्छा है कि अगर आपके छोटे बच्चे भी हैं, और जैसे कि मैं भी चाइल्ड केयर सुपरवाइज़र हूँ, तो डे केयर्स में इतने अच्छे तरीके से डेवलपमेंट होती है बच्चों की कि अगर हम उसको कंपेयर करें बैक होम में जहाँ हम नैनीज भी रख लेते हैं, आई थिंक बच्चों की डेवलपमेंट जो डे केयर में होती है, जिस तरीके से ख्याल रखा जाता है वहाँ पे बच्चों को, एवरी डे एवरी मिनट दे लर्न न्यू थिंग्स, तो वो चीज़ बहुत अच्छी है। तो जो पेरेंट्स हैं वो केयर फ्री अपने बच्चों को छोड़ सकते हैं डे केयर में बिना किसी टेंशन के, बिना किसी उसके प्रॉब्लम के, जबकि बैक होम ये चीज़ थोड़ी सी दिक्कत है क्योंकि वहाँ पे अगर हम घर पे भी बच्चे रहते हैं अंडर सम सुपरविजन, उनकी डेवलपमेंट वैसी नहीं हो पाती जैसी यहाँ पे हम सोच सकते हैं। जी, ये बात आपने बिल्कुल सही कही। दूसरा एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे मैंने कहा कि हम लोग अपने साथ कुछ सोशल स्टिग्मास लेके आए हैं, कुछ मानसिकता आती है साथ में, सोच लेके आता है इंसान जहाँ से भी आता है, और वहाँ पे लेडीज़ को लेके एक अलग तरीके की सोच है, और कनाडा का माहौल एक अलग तरीके का है। यहाँ पे इक्वलिटी है, ट्रू सेंस में इक्वलिटी है यहाँ, और दूसरा यहाँ पे जॉब सिनेरियो भी है, यहाँ पे काफ़ी कॉम्पिटिटिव है, यू हैव टू प्रूव इन ईच एंड एवरी लेवल। यहाँ ऐसा नहीं कि एक बार जॉब लग गया तो आप सेफ हो गए, आपको हर बार अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। तो उस चीज़ को लेडीज़ किस तरीके से ले पाती हैं, जैसे आपने कहा कि आपके साथ फैमिली सपोर्ट है। कई बार मैंने देखा है कि यहाँ पे जो लड़कियाँ फैमिली के साथ रहती हैं उनको सपोर्ट के बजाय कई बार उन्हें प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो उस मानसिकता से बाहर नहीं आ पाते बुज़ुर्ग, और उनको काम करने में या लेट आवर्स में काम करने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? जी, जो फैमिली है वो सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम है और होना भी चाहिए। तो अगर इस तरह की किसी को दिक्कत आती है तो आई थिंक बैठ के बात कर लेनी चाहिए और डिस्कस कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारी फैमिली में तो यही माहौल है कि हम इवन अपने बच्चों को या फैमिली सब बैठते हैं एक दूसरे के साथ, और अगर कोई प्रॉब्लम भी आती है या कोई फेस कर रहा है तो चाहे वो सजेशंस लेते हैं एक दूसरे की। तो इवन अगर कोई हमें छोटा बच्चा भी सजेशन दे रहा है और सबको लगता है यूनानिमस कि इसकी बात सही है तो हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये जो ओपन माइंडेडनेस है एक दूसरे के साथ शेयर करने अपने आइडियाज़ और व्यूज़, ये बहुत ज़रूरी हैं, ना सिर्फ फैमिली के लिए, अगर फैमिली सही चल रही है तभी बाहर हम सही तरीके से काम कर पाएंगे। तो अगर फैमिली में कम्युनिकेशन सही है तो मेरे को लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी। पेरेंट्स समझते हैं अपने एक्सपीरियंस से कि हाँ, ये यहाँ पे हमें हेल्प की ज़रूरत है हमारे बच्चों को, वो ज़रूर हेल्प करेंगे एक्सटेंड। तो मैं नहीं समझती कि कोई दिक्कत आनी चाहिए इस तरीके से। जी बिल्कुल। और एक सवाल मैं और आपसे करना चाहूँगी कि जैसे आपने अडेप्टेबिलिटी की बात की, जब बाहर से कोई व्यक्ति आता है तो वो बहुत सारी चीज़ें अडॉप्ट करता है, उसे बहुत सारी चीज़ें सीखनी होती है, और यहाँ पे बदलाव भी आते हैं, लाइफस्टाइल के भी बदलाव आते हैं, उसके साथ साथ वैल्यू सिस्टम के भी बदलाव आते हैं। तो एज ए वुमेन आप क्या सोचती हैं, एज ए इंडियन वुमेन आप क्या सोचती हैं कि किस हद तक हमें अडॉप्टेबिलिटी रखनी चाहिए और किस हद तक हमें अपनी पहचान और अपने अस्तित्व को बनाए रखना चाहिए? हाँ जी बिल्कुल, जो वैल्यूज़ हैं, जो हैं हमारी रूट्स हैं, उनको तो खैर हमें कभी नहीं भूलना चाहिए क्योंकि उन्हीं से ही हम आगे, क्या कहते हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट ग्रो करना है, चाहे हम बच्चों की भी बात करें, उन्होंने एक नए सेट
सेट में सेटअप में अपने आप को अडेप्ट करना है, तो उनको स्पेस देनी बड़ी ज़रूरी है। हमें अपने बच्चों को स्पेस देनी चाहिए, उनको ग्रो करना है अपनी छतर छाया में कह लीजिए या अपने अपनी निरीक्षण में, तो हमें उनको गाइड भी करना है पर उनको ग्रो भी करने देना है एट द सेम टाइम। तो ये एक बहुत डेलिकेट बैलेंस है एक लेडी के लिए, एक मदर के लिए, बट वो करना ज़रूरी है। अगर जब वो बैलेंस पूरा हो जाता है, आई थिंक या इट्स अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड, इट्स अ ब्यूटीफुल कंट्री, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं ग्रो करने के लिए सबके लिए। तो या आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं है फिर उसके बाद। जी बिल्कुल, एक सवाल मैं आपसे और करना चाहूँगी कि यहाँ के जिस तरीके के जॉब सिनेरियो हैं या इनका जो फैमिली सिस्टम है उसमें ये बात मायने नहीं रखती है कि हस्बैंड वाइफ अलग अलग रहते हैं कई बार, और हमारे हमारे सिस्टम में हमारा जो फैमिली सिस्टम होता है, हम चाहते हैं कि हस्बैंड वाइफ एक साथ रहें, फैमिली एक साथ रहे, और यहाँ पे कई बार काम के सिलसिले में आपको अलग अलग शहरों में या अलग अलग जगह पे रहना पड़ता है, तो उस बारे में आपका क्या कहना है? आज की वैसे एनवायरनमेंट में या जो आजकल का है कल्चर, इसमें ये नहीं मैटर करता कि ये ऐसा नहीं है कि जेंडर स्पेसिफिक नहीं है कि हाँ भी जो वेमेन है वो सिर्फ घर का काम करेगी और जो मेल है वो सिर्फ बाहर का काम करेंगे, क्योंकि दोनों को बराबर परफॉर्म करना पड़ता है। इसीलिए घर में फैमिली में हस्बैंड को भी साथ में कंट्रीब्यूट करना उतना ही ज़रूरी हो जाता है। चैलेंजिंग होता है यहाँ पे इनिशियली, बिकॉज बैक होम कई लाइक मैन दे डोंट पार्टिसिपेट सो मच, पर यहाँ पे उनको करना पड़ता है, पर करते हैं। मैं तो जितने लोगों को भी जानती हूँ सब फैमिली में पूरा इन्वॉल्व होते हैं, बच्चों का भी पूरा ध्यान रखते हैं और इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं। तो अगर सब इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती है फिर। जी बिल्कुल, आपने जैसे कि कहा कि आपकी आर्मी बैकग्राउंड है, तो आप क्या सोचती हैं कि आर्मी बैकग्राउंड होने की वजह से आपकी अडॉप्टेबिलिटी ज़्यादा है, क्या उस बात ने आपको सपोर्ट किया यहाँ पे? जी इंडिया में रहते हुए तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा, महसूस नहीं हुआ था उस अडेप्टेबिलिटी के बारे में, क्योंकि मेरी मैरिज के बाद आई गॉट मैरिड इनटू अ बिजनेस फैमिली एंड स्टेड एट द सेम प्लेस। तो मुझे कोई, हाँ हम वर्ल्ड वाइड ट्रैवल करते रहे बट उस तरीके से कभी महसूस नहीं हुआ, पर कैनेडा आने के बाद मैंने ये चीज़ ज़रूर एक्सपीरियंस की और महसूस की, मैंने भी और मेरे हस्बैंड ने भी, क्योंकि हम दोनों ही ट्रैवल करते रहे हैं पूरा इंडिया, डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़, तो किसी भी एक शहर में हमने 3 से ज़्यादा क्लासेस नहीं की हैं। तो इसीलिए हमारे फ्रेंड्स भी चेंज होते रहे, हमारे स्कूल्स चेंज होते रहे, हमारे घर चेंज होते रहे, तो इसीलिए जो वो अडेप्टेबिलिटी वहाँ से आई उसने हमें कैनेडा में आके बहुत हेल्प किया, क्योंकि हमने जब यहाँ पे आ गए, हम जब एडमिंटन आ गए तो हमने यही सोचा कि यही हमारा घर है और हमने यहीं रहना है, और हमने कभी ये सेकंड थॉट नहीं दी कि हमने वापस जाना है या बैक होम के बारे में कभी सोचना है, ऐसी कभी थॉट नहीं आई, बस यही हमारा घर है और यहीं पे रहना है और यहीं सेटल होना है। ये बात आपने बिल्कुल सही की, क्योंकि यहाँ पे ये वाला थॉट होना बहुत ज़रूरी है कि कुछ भी हो अब हमें यहीं रहना है। रूपम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे साथ अपने विचार शेयर किए, और मैं जाते जाते बस आपसे यही पूछना चाहूँगी कि आप हमारी इंडियन कम्युनिटी को क्या मैसेज देना चाहती हैं? जी मैं इंडियन कम्युनिटी और बाकी सारी कम्युनिटीज़ जो भी इमिग्रेंट्स यहाँ आते हैं, मैं सबको यही मैसेज देना चाहती हूँ कि बर्न योर बोट, जो आप पीछे छोड़ आए, जो आप थे, जो भी एक्सपीरियंस वो था, जो भी वो पीछे रह गया, अपने आप को मौका दीजिए। भगवान ने आपको, गॉड ने, परमेश्वर ने आपको एक नया मौका दिया है ज़िंदगी जीने का, तो स्टार्ट इट अन्यू अफ्रेश। अपने आप को अपने आप के साथ सबसे पहले समझौता कीजिए कि मैं यहाँ पे नया हूँ और मैंने अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करनी है। तो आप कुछ भी चाहे लिख सकते हैं, उसमें आपकी प्लेन किताब है, कुछ भी चाहे बन सकते हैं, जो भी आपका पीछे, आप चाहे डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, यहाँ पे आके आपको दोबारा मौका मिलेगा, अपने आप को टाइम दीजिए। यही मेरा मैसेज है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू हार्मनी टीवी का जिन्होंने मुझे मौका दिया अपने विचार शेयर करने का। थैंक यू सो मच।